नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तीरथ सरकार का बड़ा फैसला, हरिद्वार को माने के लिए श्रद्धालु पर कोई रोक नहीं। यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम। राजभवन में दो दिवसीय बसंत उत्सव में पुष्प उत्पादकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई आयोजित। कल राज्यपाल ने दिया था प्रदर्शनी का शुभारंभ। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र में 4 साल नहीं, सीएम तीरथ के 100 दिन के कार्यकाल का होगा जश्न। भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम निरस्त। प्रदेश में कांग्रेस से भरी चुनावी हुंकार, उत्तराखंड में भाजपा सरकार को घेरने के लिए बैठकों का दौर शुरू। संगठन में हो सकता है बड़ा फेरबदल। बंशीधर भगत के कैबिनेट मंत्री बनने पर भाजपा दफ्तर में जश्न। नगर मंडल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर रिटायर कर्मचारियों का प्रदर्शन। समिति में 3 सूत्री मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे शुरुआत हरिद्वार से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैरागी अखाड़ों को जल्द आवंटित होगी जमीन। बैरागी अखाड़ों को जल्द ही आवंटित होगी जमीन, जल्द ही लगेंगे बैरागी संतों के टेंट और तंबू। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कुंभ में आने वाले श्रद्धालु अच्छी तस्वीर लेकर जाएं। हरिद्वार दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत आज रहेंगे। नेत्र महाकुंभ शिविर का करेंगे शुभारंभ। और हरिद्वार दौरे पर रहेंगे तीरथ सिंह रावत, नेत्र महाकुंभ शिविर का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। हरिहर आश्रम पहुंचकर संतों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। बड़ी खबर हरिद्वार से, वैरागी अखाड़ों को जल्द आवंटित होगी जमीन, जल्द ही लगेंगे वैरागी संतों के टेंट और तंबू। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कुंभ में आने वाले श्रद्धालु अच्छी तस्वीर लेकर जाएं, सीएम ने बोला है। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। नेत्र महाकुंभ शिविर का शुभारंभ भी करेंगे, हरिहर आश्रम पहुंचकर संतों से मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता ओम प्रयास लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रयास जी, जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि जो अवधि है उसे शायद बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन तीरथ सिंह रावत ने उस अवधि को नहीं बढ़ाया, लेकिन जो छूट दी गई है अब श्रद्धालुओं को कि कोई भी श्रद्धालु दर्शन करने आ सकता है, कोई रोक टोक ना लगाई जाए, तो एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर श्रद्धालु को मिलती हुई नजर आ रही। जी देखिए, तीरथ सिंह रावत जो सरकार जो नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो बने हैं उन्होंने बैठक कर रही है, सभी को निर्देश दिए हैं। जो कुंभ है, कुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य होना चाहिए, जिस तरह की संतों की पहले से ही मांग चलती आ रही थी। इसी के चलते जो सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो कुंभ है, कुंभ दिव्य और भव्य हो, साथ ही साथ आपको बता दें इस तरह से इसमें जो सरकार द्वारा जो SOP जो जारी की गई है कुंभ को लेकर, उसका पूर्णतः पालन भी कराना सुनिश्चित करने के लिए ये भी निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए। साथ साथ आपको बता दें जिस तरह से जो बैरागी अखाड़ों के जो संत है उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे बैरागी संत अभी तक रुके हुए थे, ना कोई स्टैंड की व्यवस्था थी, ना कोई जमीन आवंटन की कोई व्यवस्था थी, उसी को मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो बैरागी जो संत है, जो बैरागी अखाड़े हैं, चाहे वो दिगंबर अणि हो, निर्मोही अणि हो, या फिर जो अन्य जो एक अखाड़ा और है, इन अखाड़ों को जमीन आवंटन की के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी। साथ साथ कहा गया है कि जो बैरागी अखाड़ों के जो संत हैं उनको जल्द ही जमीन आवंटन कर ताकि वो अपने टेंट लगा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिए हैं। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मुख्य सचिव हैं, जितने सचिव हैं, सभी को मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि कुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य होना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस बात को लगातार कह रहे हैं कि एक अच्छी तस्वीर जो आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
साधु संतों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी, व्यापारियों में काफी नाराजगी थी और कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी नाराज हो रहे थे क्योंकि तमाम तरीके के नियम कायदे कानून लगा दिए गए थे। अब एक अच्छी तस्वीर देने की बात जो कह रहे हैं तीरथ सिंह रावत, उसमें कितना सार्थक ये साबित हो पाएगा क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं का अगर तांता भी लगता है तो किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी? कुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जो सचिव हैं, सभी जो जो अधिकारी हैं, सभी को निर्देशित किया है कि कुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य होना चाहिए। संतों की बहुत पहले से जो मांग चली आ रही थी उसी को देखते हुए जो तीरथ सिंह रावत सरकार ने यह फैसला लिया है कि कुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य होना चाहिए। और जिस तरह से आपको बता दें कि जो महाशिवरात्रि पर्व पर जो शाही स्नान हुआ था उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर निर्देशित किया है कि कुंभ में जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी के चलते जो उत्तराखंड DGP हैं अशोक कुमार, उन्होंने भी एक डिब्रीफिंग बैठक ली थी अधिकारियों के साथ और साफ तौर पर कहा था कि ये हमारी जो स्नान था महाशिवरात्रि का, ये शाही स्नान था और इसी के बाद जो अगले जो दो शाही स्नान होने हैं 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को, उनको देखते हुए इसमें जो व्यवस्था जो व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए, साथ साथ इसमें सुरक्षा की व्यवस्था को बढ़ाया जाए, तो सभी को निर्देशित किया गया। सारा मुख्यमंत्री ने जो SOP जो लागू की गई है कुंभ के लिए कि कोरोना महामारी को बढ़ने से रोका जा सके, उसी को देखते हुए ये फैसला भी लिया गया है कि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेगा उसे 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। साथ साथ आपको बता दें कि इसमें अभी तो कोई छूट नहीं दी गई, लेकिन साथ साथ कुंभ का आयोजन जो है जो दिव्य और भव्य होगा। साथ ही आपको बताते हैं कि जिस तरह से इस बैठक से पहले लोगों के मन में कई सारे सवाल थे, कई सारे बातें थी कि आखिर हो सकता है कि कुंभ की अवधि बढ़ाया जाए, लेकिन इसमें कुंभ की अवधि को बढ़ाया नहीं गया। हालांकि कुंभ का विस्तार नहीं किया गया, लेकिन साथ साथ इसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए जिस तरह की जो बैरागी संतों का के लिए जो खुले आसमान के नीचे रहना और तमाम जो सुविधाएं जो संतों को मिलने वाली है, उन सभी को देखते हुए इसमें बैठक में फैसला लिया गया था। वहीं आपको बता दें कि आज जो CM उत्तराखंड है तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां वो जो नेत्र कुंभ शिविर जो लगने जा रहा है उसका आज उद्घाटन करेंगे, साथ साथ संतों से भी मुलाकात करेंगे। आखिर इस मुलाकात करने के बाद संतों से सुझाव लेंगे आखिर कुंभ को दिव्य और भव्य और किस तरह से बनाया जा सके। इसमें साथ आपको बता दें कि जो लोकसभा जो अध्यक्ष है ओम बिरला, वो भी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जिनसे मिलने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, आज उनसे भी मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जितने जो अखाड़ा परिषद है या फिर हरिहर आश्रम है, जितने भी वरिष्ठ संत है, आज वरिष्ठ संतों से मुख्यमंत्री वार्ता करेंगे और कुंभ के आयोजन पर ही इसमें चर्चा भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे ओम प्रयास की जिस तरीके से वो बैरागी अखाड़ों को जो रहने में काफी परेशानी हो रही थी, वो खुले आसमान के नीचे रह रहे थे, अब खबर मिल पा रही है कि वो उनको भूमि आवंटित की जाएगी ताकि वो टेंट लगा सके, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए बैठक में ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया है, मेला प्रशासन को निर्देशित किया है कि जो बैरागी अखाड़ों के संत हैं उनसे जल्द से जल्द भूमि आवंटन की जाए ताकि जो बाहर से जो आने वाले संत जो खालसे हैं बैरागी संतों के वो रुक सके। जो भी श्रद्धालु जो हरिद्वार महाकुंभ में पहुंचेगा एक अच्छी तस्वीर लेकर ही यहाँ से जाए, इस सोच को देखते हुए तीरथ सिंह रावत सरकार ने यह फैसला लिया है और साफ तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो वहीं साधु संत भी इस बात से काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आज हरिद्वार जो CM तीरथ सिंह रावत है, आज उनका हरिद्वार का दूसरा दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो जिस तरह से संत महात्मा से मुलाकात करेंगे तो इसमें साफ तौर पर देखने वाली बात यह है कि जो तीरथ सिंह रावत है वो संतों से कुंभ के आयोजन को लेकर कई वार्ताएं करेंगे, कुंभ को आखिर किस तरह से दिव्य और भव्य और बनाया जाएगा, इसमें क्या कुछ व्यवस्था, कई व्यवस्थाओं पर तीरथ सिंह रावत चर्चा भी करेंगे। तो संतों से आज मिलना तीरथ सिंह रावत का तय है, कई अखाड़ों में भी जाएंगे तीरथ सिंह रावत। साथ साथ आपको बता दें कि ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भी आज हरिद्वार दौरे पर हैं, उनसे भी मुलाकात CM करेंगे आज, तो कई सारे मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। अब क्या कुछ निकल के आना है ये तो वक्त ही बताएगा।
बिल्कुल ओम प्रिया जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब श्रद्धालु आ सकते हैं, उनको रोका ना जाए, तो जिस जैसे जो SOP जारी हुई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं वो नहीं आ सकते हैं, तो क्या अब इन्हें आने की भी अनुमति है? देखिए, आपको बता दें कि SOP में साफ तौर पर लिखा हुआ था, साफ तौर पर निर्देशित किया गया था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से या 15 साल से कम है, जो बुजुर्ग 65+ हैं, जो 60 जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, उन व्यक्तियों से कुंभ में ना आने की अपील की गई थी। क्योंकि आपको बता दें कि जो कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि जो COVID-19 है वो ज्यादातर जो गर्भवती महिला है उन पर, छोटे बच्चों पर और जो जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है उन पर ज्यादा प्रभावित होता है। इसी को देखते हुए SOP में ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि जो गर्भवती महिला है, जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो कुंभ में ना आए। हालांकि अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। अब देखने वाली बात होगी कि आज CM किन किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, किन किन मुद्दों पर लेकर अधिकारी को निर्देश करते हैं, ये तो CM तीरथ सिंह रावत के आने के बाद ही साफ हो पाएगा। जी ओम प्रिया जी, आपसे तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या सारी तैयारियां हो चुकी है या अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, आपको बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ की जो का जो समय है वो 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का है। इसमें जितने भी स्थायी जो कार्य हैं वो लगभग सभी पूर्ण हो चुके हैं, जो अस्थायी कार्य हैं वो काफी तेजी से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बैठक कर ये जितने भी अधिकारी हैं सभी को निर्देशित किया था कि जो कुंभ क्षेत्र के जो अन्य मार्ग हैं उनकी जो मरम्मत है वो जल्द से जल्द कराई जाए, क्योंकि हरिद्वार महाकुंभ शुरू होने में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और जल्द से जल्द इनको पूरा किया जाए। हालांकि को बता दें कि जो स्थायी जो कार्य जो होने थे, चाहे वो पुलों के निर्माण के हों या सड़कों के हों, वो सभी अभी तक लगभग सभी पूरे हो चुके हैं। जो छोटे जो कार्य है जो अस्थायी रूप से होने थे उनमें कुछ कार्य बहुत ही तेजी गति से चल रहे हैं, जिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जितने भी जो कुंभ क्षेत्र के जो अंदरूनी जो अंदर की जो सड़कें हैं, छोटे छोटे सड़कें हैं, गलियों की सड़कें हैं, वो सभी जल्द ही पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उनमें उनके कार्यों में बहुत ही तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल ओम प्रयास जी, उम्मीद है कि जल्द ही हरिद्वार का ये जो काम है वो पूरा हो जाएगा। बात अगर हम कोरोना को लेकर करें तो कोरोना को लेकर जिस तरीके से कहा गया था कि 5 राज्यों के जो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पर है 5 राज्य, वहाँ के लोगों को आने के लिए बहुत सारी चीज़ें कंपलसरी करी गई थी, जैसे कि 72 घंटे की रिपोर्ट लाना बहुत अनिवार्य है, और बहुत हद तक ये कोशिश की जा रही थी कि वो लोग इस कुंभ का हिस्सा ना हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। बॉर्डर्स पर अगर हम बात करें तो किस तरीके से चेकिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं? देखिए, हम बात करें बॉर्डर्स की, जो हरिद्वार के जो बॉर्डर्स हैं, जो कुंभ क्षेत्र में जो श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं उनके बॉर्डर पर जो जिले की पुलिस है वो भी लगाए गए। साथ साथ आपको बता दें कि इसमें अर्धसैनिक बल PSC के जवान भी इसमें तैनात किए गए हैं, जो बाहर से आने वाली गाड़ियों की रैंडमली चेकिंग लगातार की जा रही है, कोविड टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। तो इन सभी को देखते हुए सभी को निर्देशित किया गया है कि जो बाहर से जो आने वाले यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी रैंडमली चेकिंग लगातार की जा रही है, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हरिद्वार में महाकुंभ का भी आयोजन होना है। इसी को देखते हुए जो बॉर्डर पर जो तैनात किए गए हैं वो जिला पुलिस के साथ साथ PSC के जवान और अर्धसैनिक बल वहां पर तैनात किए गए हैं, जो रैंडमली गाड़ियों को चेकिंग कर रहे हैं। साथ साथ एक जो मेडिकल की टीम है वो भी बॉर्डर्स पर लगाई गई है, जो बाहर से आने वाले यात्रियों की रैंडमली कोरोना जांच कर रही है। साथ साथ इसमें ये भी देखे जा रही है कि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, कोरोना महामारी को रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए लोगों के पास वो 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट भी देखी जा रही है, और जिस व्यक्ति के पास वो रिपोर्ट नहीं है उन्हें बॉर्डर से वापस लौटाया जा रहा है, ताकि हरिद्वार महाकुंभ का जो आयोजन है वो दिव्य और भव्य हो सके, और जो भी श्रद्धालु हरिद्वार महाकुंभ पहुंचे वो एक अच्छी तस्वीर लेकर यहाँ से जाए, यही सरकार द्वारा जो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए भी इस पर अंकुश लगाने के लिए तमाम जो उचित कदम है वो उठाए जाएं, जो
जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी लगातार उनकी जांच की जाए, रैंडमली जांच की जा रही है। जो गाड़ियां हैं जो बाहर से आ रही है उनको रोक रोक कर बॉर्डर्स पर जो जवान है वो रोक रोक कर उनकी जांच की जा रही है ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके और साथ ही साथ कुंभ महाकुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य हो सके। बिल्कुल ओम प्रयाग जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि पेशवाइयों का जो दौर है वो खत्म हो चुका है और एक शाही स्नान भी हो चुका है, आगे के शाही स्नान होने 1 तारीख से कुंभ होना है, ये जो टाइम पीरियड अभी जो बीच में है इसमें क्या कुछ होगा हरिद्वार में? देखिए आपको बता दें कि पेशवाई का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मात्र टोटल आपको बात करें अखाड़ों के तो टोटल 13 अखाड़े हैं जिनमें से 7 संन्यासों के अखाड़ों के अभी तक पेशवाई निकली है। अभी अभी कुल अभी 6 अखाड़े जो बचे हैं उनकी पेशवाई भी निकलनी है। इसमें आपको बता दें कि 3 अखाड़े बैरागी संत के हैं तो 3 उदासीन परंपरा के हैं, तो इसमें अखाड़ों की अभी पेशवाई बाकी है। अभी तक मात्र 7 अखाड़ों की जिसमें बात करें हम जूना, आवान, अग्नि, आनंद, अटल और निरंजनी, साथ साथ इसमें बात करें महानिर्वाणी अखाड़े, उसमें अभी तक टोटल 7 अखाड़ों की पेशवाई निकाली जा चुकी है। अभी 6 अखाड़ों की पेशवाई निकलनी बाकी है जो अप्रैल में निकलेगी। आपको बता दें कि इसमें 3 अखाड़े बैरागी परंपरा के हैं और 3 अखाड़े उदासीन परंपरा के हैं। अभी इसमें 6 अखाड़े बचे हैं जिनकी पेशवाई का दौर अभी बाकी है, वो जल्द ही कुंभ में शुरू हो जाएगी। जी ओम प्रयाग जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि यातायात का जो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए कुंभ की जो अवधि है वो 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक की है। अभी हालांकि आपको बता दें कि अभी 2 शाही स्नान और 1 प्रमुख स्नान अभी बाकी हैं। 2 शाही स्नान 1 12 अप्रैल और 1 14 अप्रैल को होना है और साथ साथ 27 अप्रैल को जो स्नान होना है वो प्रमुख स्नान है जिस पर श्रद्धालु भी स्नान कर सकेंगे और 2 शाही स्नान बाकी है। इसमें हम बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की तो ट्रैफिक व्यवस्था के अभी पूरे इंतजाम यहाँ मेला पुलिस और जिला पुलिस द्वारा कर लिए गए हैं कि किसी भी तरह जिस तरह श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे उनको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए ट्रैफिक की व्यवस्था भी लगातार इस पर भी लगातार लोगों लगातार अधिकारियों से बैठक की जा रही है आखिर किस तरह से हरिद्वार महाकुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कोई असुविधा ना हो, ट्रैफिक में जाम में वो फंस ना सके, तो इसके लिए भी लगातार बैठकें की जा रही हैं और जल्द ही ये बैठकें होने के बाद जो जो भारी जो वाहन है जो कुंभ जो जो कुंभ की जो अवधि है कुंभ की अवधि में जो भारी वाहन है वो बंद उन पर रोक लगा दी जाएगी। साथ साथ जो जो गाड़ियां हैं जो बाहर से आनी है श्रद्धालुओं की उनके लिए जो पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सर रूप से बिल्कुल सही चल रही है, वहां पर जवान भी लगाए गए हैं। तो तमाम जो जितनी भी यहाँ पार्किंग है पार्किंग के लिहाज से यहाँ पर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक यहाँ पर कोई ऐसा कोई इशू नहीं बनने वाला है महाकुंभ में जिस तरह से जिसमें श्रद्धालुओं को या फिर लोगों को कोई असुविधा हो, क्योंकि जो जिला पुलिस और मेला पुलिस है लगातार इस पर बैठकें कर रहे हैं। जी ओम प्रयाग जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? अगर हम अस्पतालों की बात करें डॉक्टर्स की बात करें तो वो किस तरीके से व्यवस्था है? देखिए बात करें हम कोरोना की तो कोरोना महामारी लगातार एक के बाद एक लोगों को जो कोरोना अपने पैर पसार रहा है तो उसी को देखते हुए यहाँ हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर द्वारा बैठक की जा रही है और जो जितने भी जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देशित किया जा रहा है कि हो सके इसमें बता दें कि गाड़ी पर वाहनों पर मास्क ना पहनने वालों पर भी पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, बिना मास्क के उनका चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते मुंह पर मास्क सैनिटाइज हाथ में और उचित दूरी बनाकर ही रखे ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके और जिससे कुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य हो सके, कोरोना महामारी ज्यादा ना फैले, इसके लिए लगातार जिला पुलिस है जो जिला प्रशासन है लगातार प्रयासरत है। बिल्कुल ओम प्रयाग जी, देख रहा होगा कि इस कुंभ कैसे भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न होता है क्योंकि तीरथ सिंह रावत लगातार अब उन्होंने एक अलग एंगल से इस कुंभ को किया हुआ है कि अवधि नहीं बढ़ाई है लेकिन श्रद्धालुओं को फ्री आने की अनुमति दे दी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रयाग जी।
बता दें कि आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, नेत्र महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे और जो बैरागी अखाड़ा था जिसको भूमि आवंटित नहीं हुई थी वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे, अब उन्हें भूमि आवंटित की जाएगी ताकि वो अपने टेंट लगा सके। एक जो बड़ा अपडेट है वो ये कि अभी तक जो श्रद्धालुओं की संख्या में कमी की गई थी, बहुत रोक टोक थी, वो अब कहीं बहुत हद तक नहीं रहेगी। तीरथ सिंह रावत ने भले ही अवधि ना बढ़ाई हो कुंभ मेले की, लेकिन इस बात की जरूर आजादी दे दी है कि कोई भी श्रद्धालु को रोका ना जाए, उन्हें आने की परमिशन जो है वो दी जाए। और अब आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तराखंड में आज मंत्रियों को मिल सकते हैं विभाग। बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड में आज मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं। सीएम ने हर विभाग की ली थी जानकारी। कल ही मुख्यमंत्री ने गोपन सचिव से ली थी जानकारी। मंत्रियों के पूर्व के परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में आज मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं। सीएम ने हर विभाग की ली थी जानकारी। कल ही मुख्यमंत्री ने गोपन अधिकारी से जानकारी ली थी। मंत्रियों के पूर्व के परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में आज मंत्रियों को मिल सकते हैं विभाग। सीएम ने हर विभाग की ली थी जानकारी। गोपन सचिव से कल उन्होंने जानकारी ली थी और मंत्रियों के पूर्व के परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में आज मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं। सीएम ने हर विभाग की ली थी जानकारी। आपको बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री ने गोपन सचिव से ली थी जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं, कल जिस तरीके से गोपन सचिव से जानकारी भी ली थी मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ जानकारी है मसले पे? बिल्कुल यशी, से बता दूं कि जो कमान जो है जब तीरथ सिंह रावत को मिली है और 11 मंत्रियों ने कैबिनेट की शपथ ली है और उसके बाद जो है आज विभागों को बंटवारे को लेकर के जो चयन है वो लगभग जो है वो पूरा कर लिया गया है, यानी कि सूची जो है वो तैयार कर ली गई है। कल सचिव अमित नेगी के साथ जो है शैलेंद्र गोली के साथ जो है उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो है लगभग 2.5 घंटे की जो है बैठक की और उसमें निर्णय ले लिया गया है लगभग किन मंत्रियों को जो किस किस विभाग की जो है जिम्मेवारी वो दी जाएगी। और साथ ही यशु ये भी कहा जा सकता है कि जो अब तक का जो पुराने मंत्रियों में परफॉर्मेंस रहा उसके आधार पर भी विभागों का बंटवारा होगा, क्योंकि फेरबदल ज्यादा नहीं कह सकते कि ज्यादा हो पाएगा, लेकिन फिलहाल वित्त विभाग से लेकर आबकारी विभाग और लोक निर्माण विभाग जैसे ऐसे महत्वपूर्ण विभाग जो है वो मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे और अन्य जो विभाग है उनका बंटवारा जो है वो आज संभवता जताई जा रही है कि शाम तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो है कैबिनेट की तैयारी, यानी कि कैबिनेट मंत्रियों को किस तरीके से विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अब तीरथ सिंह सरकार जो है वो लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है और सरकार पूर्ण रूप से विभागीय तौर पे काम करने से जो पहले और तैयारी जो है उसको लेकर के तैयार हो चुकी है। यशी जी, राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहाँ पर उत्तराखंड में आज मंत्रियों को मिल सकते हैं विभाग। मंत्रियों के पूर्व की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। सीएम ने हर विभाग की जानकारी ली थी, लिस्ट तैयार हो चुकी है और आज विभाग मिल सकता है मंत्रियों को। कल ही मुख्यमंत्री ने गोपन सचिव से जानकारी ली थी। मंत्रियों के पूर्व के परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड में आज मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं। सीएम ने हर विभाग की आपको बता दी कि जानकारी ली थी। और अब देहरादून से एक और बड़ी खबर, 18 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। 18 मार्च को नहीं होंगे विधानसभा वार कार्यक्रम। सरकार के 4 साल पूरे होने पर नहीं होगा कार्यक्रम। बता दें कि मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किए हैं आदेश। जो कार्यक्रम त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर होना था
वो अब निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा उत्तराखंड में जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हुआ और तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब 4 साल में पूरे होने वाला जो कार्यक्रम था वो नहीं होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।